यार पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है मेरा। पढ़ाई का नाम सुनते मेरे को सकते हैं, पता नहीं क्या बड़ा सा पहाड़ आ गया, किसने हमारे सर पर आकर रख दिया ये पहाड़, और अब उसको पहाड़ के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। और कुछ बोलते हैं यार, थियोरेटिकल सब्जेक्ट को तो पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, और उसको जैसे ही पढ़ते हैं 3-4 दिन के बाद भूल जाते हैं। क्या करें, इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपकी स्टडीज़ में बिल्कुल हेल्प करेगी, और वो मैं भी करता हूँ। और ये कोई ट्रिक नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है जो कि बहुत सदियों से करते हैं लोग, और जो कि आज भी कुछ कर रहे हैं पर कुछ को नहीं पता, तो जो कि ये स्टडीज़ में बहुत हेल्प करता है हमारे लिए। तो भाई उससे करने से पहले तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए ना, क्यों हम कर रहे हैं और हमें क्यों करना चाहिए। अगर मैं तुमने ऐसे मैंने तुमको ऐसे ही बता दिया तुम ये कर लो वो कर लो, तुम क्या कर पाओगे उसे, नहीं ना। तो तुम्हारे अंदर कुछ एक मोटिवेट होना चाहिए ताकि तुम कर पाओ। हम क्यों कर रहे हैं उसे, और क्यों हम इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं उसमें, है ना। तो उससे पहले मैं अपने ब्रेन की खासियत बताता हूँ, यानी कि मेरा खुद का नहीं सबका ब्रेन की खासियत बताता हूँ। जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो इजी चीज़ों को ज़्यादा कैच करता है, अकॉर्डिंगली टू हार्ड चीज़ों को ज़्यादा कैच नहीं कर पाता। जैसे हमने इजी चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई बातें सुनाता है तो हम एकदम से याद रह जाते हैं ना, हमने मूवी देखी वो याद रह जाती है, क्योंकि वो ईजी फॉर्म में होती है। अगर हम कोई हार्ड सब्जेक्ट करने जाते हैं ना, तो उसमें हमारी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि हमने कभी ऐसी हार्ड प्रैक्टिस करी नहीं, और हार्ड चीज़ों को ब्रेन बहुत जल्दी कैच नहीं कर पाता, उसे बहुत टाइम लगता है। तो तभी बोलता हूँ कि आप कोई इजी चीज़ों को मत लीजिए। और बोलते हैं ना कि हमसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जाता, ये क्या बोलते हैं, ये सब इतना बड़ा बड़ा काम नहीं होता, मैथ नहीं होता, SST नहीं होता, साइंस नहीं होता। अगर आप उसको अपनी लय में लगाएंगे, यानी कि आप उसको अपनी आदत डालेंगे ना, तो वो सब्जेक्ट भी आपके लिए इजी बन जाएगा। पर उसके लिए बात ये भी होती है, हमें लर्न करना पड़ता है, लर्न कर रिवाइज करने पड़ते हैं और समझ के करना पड़ता है। ज़रा आपने ये सोचा कि आपने जो पढ़ा वो क्यों अब आपको उसको अच्छे से समझना है। देखो हमारे 3 टाइप्स ऑफ माइंड होते हैं, मंकी माइंड, ब्लेज माइंड, गामा माइंड। मंकी माइंड जो कि इधर उधर के विचार बहुत आते रहते हैं, और मंकी माइंड के अंदर विचार 60,000 से, यानी कि आप बोल सकते हो 80,000 से 60,000 के बीच के आते हैं। और जो हमारा गामा माइंड होता है उसके अंदर आता है 10,000 से लेके 5,000 के बीच के अंदर आ जाता है विचार कुछ। और जो हमारा ब्लेज माइंड होता है उसके अंदर आते हैं हमारे कुछ 60 से 40 विचार पर डे। और जो ब्लेज माइंड होता है ना, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल एंड फोकस लेवल बहुत पीक पर होते हैं, और जो कि स्वामी विवेकानंद जी का पीक पर था लेवल, यानी कि उनका ब्लेज्ड माइंड था। पर उन्होंने कुछ ऐसा चमत्कारी कुछ नहीं करा कि हाँ उन्होंने ऐसे बना दिया, उनको बहुत टाइम लगा। अब बात आते हैं वो कौन सी ट्रिक है जो तुम इतनी देर से बता रहे हो। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। तो चलिए फाइनली मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है हमें। थर्ड आई मेडिटेशन, थर्ड आई मेडिटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू आर स्टडिंग। पर कुछ लोग तो भूल कर देते हैं कि वो डायरेक्ट करने लग जाते हैं इसको, और जो कि बहुत गलत होता है। और कुछ लोग यूट्यूबर्स मैंने देखा है जो कि बोलते हैं डायरेक्ट है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करें, मैं पहले बोलना चाहूँगा आपको, डायरेक्ट कोई भी चीज़ एकदम से नहीं करनी चाहिए, उसे स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, खाना खाते हैं एकदम से सारा ठूस थोड़ी लेते हैं, खाना आराम आराम से तो खाओगे ना। तो यही बात होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एकदम से सारा खाना खाएंगे तो आपको हानि पहुँचेगी ना, हमें तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके खाओगे और थोड़ा थोड़ा पचाओगे, तभी जाकर वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट डालेगा, यानी कि आपको गुड इफेक्ट डालेगा और आपको कोई हार्मफुल नहीं इफेक्ट आएगा। और ऐसा ही स्टडीज़ में होता है, अगर आप धीरे धीरे करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड, एकदम से तो कोई सुपरस्टार नहीं बनता ना, एकदम से तो कोई इतना पीक पर नहीं पहुँच जाता, टाइम लगता है और टाइम चाहिए होता है। पर तुम उसको इतना भी टाइम मत दो कि तुम 1 घंटा एक ही सब्जेक्ट में लगा रहे हो और 1 घंटा तुम एक एक लाइन को पढ़ रहे हो, सो ये बहुत गलत हो जाता है। तो थर्ड आई मेडिटेशन करने से पहले आपको सिंपल मेडिटेशन करनी पड़ती है। अब सिंपल मेडिटेशन कौन सी होगी, सिंपल मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए वो पहले बताता हूँ मैं। अगर आप वो करोगे तो उससे क्या होगा, जो आपकी विचार की गति है यानी कि वो कम हो जाएगी, आपका ब्रेन पहले फोकस में आने लग जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा आपका, तब जाकर आप थर्ड आई मेडिटेशन करेंगे, जिसकी वजह से आपका इंटेलिजेंसी का लेवल खुलने लगेगा। और ये एकदम से नहीं होता, इसमें साल, महीने और बहुत साल लग जाते हैं समझे, पर आपको 1 महीने के अंदर अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आपको लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बात करते हैं सिंपल मेडिटेशन कैसे करना है। सिंपल मेडिटेशन कुछ नहीं, आपको सीधा बैठना है, और ये कब करना है आपको, सुबह सुबह करना है, 5 बजे उठ के या 6 बजे उठ के, पर आपको सुबह ही करना है। जैसे ही आप सीधा बैठेंगे चौखड़े मारकर, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए बिल्कुल, और आपको यहाँ वहाँ के विचार नहीं लाने,
अगर विचार आते हैं तो आप समझे एक विचार आ रहा है, बादल की तरह उड़कर जा रहा है, और आपको सांसों पर ध्यान लगाना है, और आपको सोचना है कि सांस मेरी अंदर जा रही है, सांस मेरी बाहर जा रही है, और आपको यही फील करते रहना है। और आपको इस मेडिटेशन के दौरान बहुत सारे विचार आएंगे और बहुत सारी मुश्किल आएंगी करने के लिए। आप सोचेंगे कुछ नहीं है, चल 5 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, बस इतना हो गया। स्टार्टिंग के आप 5 मिनट कर सकते हो, पर आपको इसे डे बाय डे 1-1 मिनट बढ़ाना है। तो आप इसको कितनी देर तक कर सकते हैं, आप आधा घंटा तक इसको परफॉर्म कीजिएगा। जब आप पहले तो आप स्टार्टिंग करेंगे 5 मिनट से, पर आपको लास्ट के मंथ तक आपको 30 मिनट्स तक ले जाना है। जब ये एक मंथ हो जाए तब जाके आप थर्ड आई मेडिटेशन करिएगा। थर्ड आई मेडिटेशन यानी कि आपको जैसे ही आप सीधे वैसे ही बैठते हो ना मेडिटेशन करने के लिए, सिंपल मेडिटेशन करने के लिए क्या करते हैं, हमने चौकड़ी मारी, सीधे बैठ गए, कमर आपने सीधी करी, वैसे ही आपको क्या करना है, आपको अपनी फिंगर आईब्रोज के बीच के ऊपर रखनी है और आपको इसी पर ही गौर रखना है। यानी कि आपको आंखें बंद कर कर वहीं पर देखना है, और आपको थोड़ा थोड़ा पेन होएगा। पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके विचारों की गति वो रोक रहा है, इतने विचार चंचलता स्थिर बना रहा है आपके दिमाग को वो, और ये साइन शो करता है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। और आपको साथ ही साथ ओम का चैंट जरूर करना है, ये इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, पहले सिंपल मेडिटेशन करनी है, सिंपल मेडिटेशन के बाद थर्ड आई मेडिटेशन परफॉर्म करनी है। अब थर्ड आई मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं वो जरा जानिए आप। देखिए अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं, वैसे ये सबको नॉलेज होनी चाहिए। सुनिए, जो कि हमारे दिमाग के बीच में एक छोटा सा पीनियल ग्लैंड होता है, और ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी कंसंट्रेशन एंड फोकस, आपकी स्टडीज़ के लिए एंड लर्निंग स्किल्स के लिए। ये सबके ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत छोटा होता है, और जो कि स्वामी विवेकानंद जी का ब्रेन था उसके अंदर ये बड़ा था। जिसके अंदर जितना बड़ा उनका कॉन्सेंट्रेशन IQ लेवल उतना ही ज़्यादा होता है। वो इतना कॉमन सेंस ज़रूर लगा सकते हैं, अपना कॉमन सेंस से चल सकते हैं, और लोगों की तरह नहीं, कुछ भी आया पूछ लो डायरेक्टली। वो पहले अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तब जाकर वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। और ये थर्ड आई मेडिटेशन इस पीनियल ग्लैंड को बड़ा करती है, एक्टिवेट करती है इस पीनियल ग्लैंड को, जिससे हमारा लर्निंग पावर, स्किल्स, आपकी इंटेलिजेंसी और आपका ब्रेन क्रिएटिवनेस बढ़ता है। तो समझे अब आप ये पूरा एक ओवरऑल थर्ड आई मेडिटेशन का किस्सा। और अगर आपको अच्छे से समझना है थर्ड आई मेडिटेशन को, आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो की, और उस पर क्लिक करके आप अच्छे से देख सकते हैं। और हमारा जो ब्रेन लेवल होता है ना, उस पर बहुत ब्लड कम होता है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम होता है, ज़्यादातर हमारे नीचे के पार्ट में ही होता है। उसे करने के लिए आप योगा करिए, शीर्षासन करिए, ताड़ासन करिए, और आप धनुरासन, ये सब योगा के डिटेल्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि इसमें योगा भी मस्ट रहती है। अगर आप योगा करेंगे साथ साथ और ये मेडिटेशन करेंगे, तो आपका ब्रेन लेवल क्या, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट में आ जाएगी। मीन्स आपका बॉडी बिहेवियर सबसे, जैसे बात करते हैं आप रूडली करते हैं ना, उसे छोड़ देंगे। तीसरी बात, आप किसी से जलना छोड़ देंगे। थर्ड आई मेडिटेशन जैसे करते हैं ना आप, उससे आपको ये पता चल जाता है कि हाँ हमारे आसपास क्या चल रहा है, यानी कि आपको किस तरह से उनको बिहेवियर करना है रिप्रेजेंट अपना। और ये कोई मैं फेक बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये हमने एक्सपीरियंस करा है और बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, उनकी बातों का एक्सपीरियंस ही मैंने आपको बताया है। जो कि हमारी योगिक क्रिया, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब अभी आपने कहाँ जाना है, ऐसे जानना है तो आप मेरे चैनल पे गो थ्रू हो सकते हैं दूसरे चैनल पर। ये वाला स्टडीज़ का चैनल है, जो कि क्योंकि बहुत सारे रिप्लाई आ रहे थे कि हम पढ़े कैसे, अपने स्टडी को इजी कैसे बनाएं, तो उनके लिए मैंने वीडियोज़ बनाई थी। और दूसरा चैनल है मेरा योगा वाला, वहाँ पर आप जाकर देखना, वहाँ पर मैंने एक एक डिटेल बताई हुई है पूरी अपनी बॉडी शरीर के बारे में। और ऐसे ही वीडियो आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आप लाइक तो कर सकते हैं ना इस वीडियो को, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे देखे हैं जो कि बहुत ही इतने अच्छे होते हैं, जो कि बोलते हैं तुम इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो पर तुम्हारी वीडियो ट्रेंडिंग पेज पर नहीं जाती। वो इसलिए होता है क्योंकि तुम वीडियोज़ को लाइक ही नहीं करते हो। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तब जाकर मेरी वीडियोस होरों को दिखेगी ना, ताकि होरों को भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसलिए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब इज़ योर विश। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।